एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक्सप्रेशन है। तो हम क्या निकालना चाहते हैं, हम फोर्स निकालना चाहते हैं करंट कैरिंग वायर में लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके लिए काम करते हैं कि सपोज करें ये आपके पास एक कंडक्टर है, ये रहा आपके पास एक कंडक्टर, राइट। इस कंडक्टर के अंदर मान लो करंट है, और करंट कहां पर है, मान लो इस तरफ करंट है, कितना करंट है, आई करंट है। और सपोज इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है ऑब्वियसली वो उल्टी तरफ जा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन की इधर जाने की वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट। और ये लेंथ कितनी है इसकी, एल। तो ये लेंथ क्या है, एल, राइट, क्लियर है यहां तक। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। मुझे सिर्फ ये बताओ कि एक इलेक्ट्रॉन जब वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट से जा रहा है तो एक चार्ज पार्टिकल पे, किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस का फॉर्मूला होता क्या है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी, यही फॉर्मूला हमने किया। तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन लूं, एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकाल लूं, कितनी है मान लो छोटा एफ, तो एफ फैक्टर इज इक्वल टू ई इंटू इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है। मान लो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है बी वेक्टर, ऐसे, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक। एक वायर जो मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस्ड है एक इलेक्ट्रॉन की। अब जब मैं वेक्टर फॉर्म नहीं लगाता, आज तक जितने न्यूमेरिकल के वेक्टर लगाया नहीं मैंने, मैंने नॉर्मली क्या किया, एफ इज इक्वल टू बी क्यू बी साइन 90 आंसर। फिर किससे पूछा कि डायरेक्शन बताओ जी, मैंने कहा था देखो ऐसा है, जिस डायरेक्शन में अगर आप फ्लेमिंग का रूल लगाते हैं बी क्यू बी साइन 90 पे, तो जिस डायरेक्शन में प्रोटोन यानी कि पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मान लो पॉजिटिव चार्ज अगर बाहर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे तो आप उसको उल्टा कर देना, जो नेगेटिव चार्ज है वो उल्टी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ऐसे सीखा हमने। तो मैंने अपने थंब को उल्टा कर लिया था, पर ये तो वेक्टर है तो बोल नहीं पा रहा, डायरेक्शन थंब से शो ही नहीं हो रही, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव लगाना पड़ेगा, नेगेटिव वेक्टर। क्योंकि जब ये फॉर्मूला लगता है, इसमें हम जब रूल लगाते हैं फ्लेमिंग का या कोई भी रूल लगाते हैं डायरेक्शन निकालने के लिए, ये चार्ज क्या माना जाता है, पॉजिटिव, पर हमारा चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव में फोर्स ऑपोजिट आएगी पॉजिटिव से, तो नेगेटिव वेक्टर शो करेगा, तो नेगेटिव वेक्टर के लिए साइन क्या लगेगा यहां पर, माइनस। या तो मैं अपने हाथ से दिखा दूं इधर या इधर, इधर या इधर, अगर नहीं बोल पा रहा तो फिर मुझे डायरेक्शन के लिए वेक्टर में माइनस लगाना पड़ेगा कि ये नेगेटिव वेक्टर है, पॉजिटिव चार्ज की उल्टी डायरेक्शन देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन की फोर्स आ गई। मान लो हमारे पास कुल मिला के एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल फोर्स पूरी वायर पे क्या आएगी, एन को एक इलेक्ट्रॉन की फोर्स से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, ऐसे। तो एफ वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एन इंटू एन इंटू ई इंटू वी डी क्रॉस बी। क्या इस स्टेप क्लियर है यहां तक। इस पूरी एक इलेक्ट्रॉन की फोर्स को एन से मल्टीप्लाई किया, पूरी वायर पे फोर्स आ गई, कोई डाउट, ऑनलाइन क्लियर है, यस यस। अब ये बताओ आगे चलने से पहले कि जो वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट हमने की इलेक्ट्रिसिटी में, हमने क्या फॉर्मूला किया, वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट का आए बाय एन ए ई, वेयर एन वाज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक काम करते हैं, ये जो फोर्स आई इसको मॉडिफाई करते हैं, जो एन है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखो एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐसे, ये देखो क्योंकि लेंथ एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो वॉल्यूम ए इनटू एल है, तो कैपिटल एन की जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं एन ए एल ई वी डी क्रॉस बी, ये लो, क्लियर है यहां तक, टोटल फोर्स आ गई।
ये ड्रिफ्ट फिलोसफी है। ड्रिफ्ट फिलोसफी में एक काम करो, करंट I इज इक्वल टू एन ए इंटू वी डी क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्योंकि सब कुछ वेक्टर में चल रहा है और वेक्टर में काम करो, इसको ना लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों साइड्स को लेंथ लगा के मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या ये टर्म यहां तक क्लियर है कि मैंने इसमें क्या किया, दोनों साइड्स को मैं लेंथ से क्या करने वाला हूं, मल्टीप्लाई। देखो कैसे, थोड़ी खुली स्पेस बना लो ए ऐसे, ये देखो। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे लेंथ से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां पर भी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देता हूं, कोई फर्क नहीं एल और एल, क्योंकि सब कुछ वेक्टर में चल रहा है। तो ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। एक प्रॉब्लम है, ड्रिफ्ट की वेलोसिटी अगर लेफ्ट है तो करंट कहां पर है, राइट है, तो एल वेक्टर भी कहां है, राइट है, तो इसके लिए फिर साइन क्या लगेगा, माइनस, क्योंकि दोनों वेक्टर में डायरेक्शन ऑपोजिट है। क्लियर है यहां तक? अब लास्ट स्टेप सर, एक बारी साइन वापस बता दो। मैंने कहा यहां तक तो आ गया ना, एफ वेक्टर तक, एफ वेक्टर तक क्लियर है? यस सर। तो वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट क्या होता है, आई बाय एन ए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया लेंथ से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर लिया। जब लेंथ से मल्टीप्लाई किया, जो क्वांटिटी वेक्टर है उनको वेक्टर लगा दिया, वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट वेक्टर है, एल वेक्टर है, एल वेक्टर है। तो जब वेक्टर आया तो डायरेक्शन लगानी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट अगर लेफ्ट है तो उस केस में करंट राइट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और करंट ऑपोजिट है, तो साइन नेगेटिव आएगा। यस, तो इसमें ये जो टर्म है, ये जो पूरी की पूरी टर्म इसमें आई थी, इसको रिप्लेस कर रहा हूं, देखो मैं इसके साथ सेम टर्म आई ना, ये और ये सेम है, तो F वेक्टर विल बी रिप्लेस्ड बाय, ये पूरी टर्म विल बी रिप्लेस्ड बाय I इनटू L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये बन गई इसकी डेरिवेशन, कि फोर्स वेक्टर का फॉर्मूला क्या बनेगा, I इनटू L क्रॉस B। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो क्या किया हमने इसमें, पहला रूल इसमें ये लगाया कि हमने ये फॉर्मूला लिखा किसी भी चार्ज पार्टिकल का, पहले हमने फोर्स एक इलेक्ट्रॉन पे निकाल ली, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स होती है रादर वो पॉजिटिव चार्ज के उल्टी होती है, तो नेगेटिव वेक्टर। एक इलेक्ट्रॉन की फोर्स आ गई, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल फोर्स आ गई, टोटल फोर्स आ गई, इस एफ को पूरी की पूरी वैल्यू को यहां पुट कर दिया, लेट एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, एन की जगह वैल्यू पुट कर दी, तो ये टर्म आ गई, राइट। वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट क्या होता है, आई बाय एन ए क्रॉस मल्टीप्लाई, लेंथ से मल्टीप्लाई, वेक्टर वेक्टर वेक्टर, साइन नेगेटिव, क्योंकि ड्रिफ्ट की वेलोसिटी और करंट ऑपोजिट होते हैं, और ये पूरी टर्म को रिप्लेस कर दिया बाय आई इनटू एल वेक्टर, दिस इज द आंसर।